हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मुझे करना है बहुत सारा सामान पैक, बिकॉज़ हम जा रहे हैं अपने होम टाउन वेडिंग अटेंड करने के लिए। और वेडिंग गर्मी में है, लेकिन क्या करें, वेडिंग अटेंड करना ज़रूरी है। गर्मी बहुत ज़्यादा, मुझे पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होने वाली है, एक छोटा बच्चा भी है मेरे साथ में। सो पैकिंग करना है खूब सारा, मेरे जो भी क्लोथिंग्स एंड ऑल है, आउटफिट्स है, मेकअप, स्किन केयर, एवरीथिंग, और बहुत सारा पेंडिंग काम भी है जो करना है। सो आई थॉट व्हाई नॉट ब्लॉग दिस। तो चलिए आप लोग के साथ ही मैं अपनी पैकिंग कंप्लीट करती हूँ। सो मैं कुछ पहले और काम स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कप चाय बना लेती हूँ। चाय मैंने एक्चुअली तो थोड़ा सा, मुझे आई थिंक अपने बालों में कलर भी लगाना है। सो आफ्टर दैट, मतलब पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं बालों में कलर लगाऊंगी, फिर मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करूंगी। सो उसी के साथ हम आज का व्लॉग भी स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वो सारे आउटफिट्स हैं जो मुझे पैक करने हैं, बैग में रखने हैं। तो मैंने पहले निकाल के रख लिए थे, एक एक करके मैंने अपने बैग में लगाती जाती हूँ। और उसी के साथ में मेकअप और स्किन केयर भी जो भी मैं रख रही हूँ वो आप लोग के साथ में शेयर करती जाती हूँ। सो मैं ये वाला मेकअप ऑर्गेनाइज़र लेके जा रही हूँ। ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइज़र है और ये बहुत अच्छा है, काफ़ी टाइम से मेरे पास है। तो दो मैंने आई शेडो के पैलेट रख ली, एक दिन के लिए एक रात के लिए। उसके बाद में ये ट्रांसलूसेंट पाउडर रख रही हूँ मैं, फिर इसी तरीके से कंसीलर पैलेट, एक एक करके मैं सारा अपना मेकअप आइटम रख जाऊँगी। ज़्यादा कलेक्शन जो है वो मैं लिपस्टिक्स का लेके जा रही हूँ, बाकी तो एक एक चलेगा। ये मेरा आईब्रो पैलेट हो गया, देन हाइलाइटर, फेस पाउडर, देन फाउंडेशन एंड सीसी क्रीम, इनसाइट 3-in-1 प्राइमर, ब्लश, देन कंसीलर, लिक्विड हाइलाइटर, ब्लेंडर, मामा अर्थ की मेरी फेवरेट लिपस्टिक, मस्कारा, काजल, लाइनर्स, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, देन सिंदूर, सिंदूर इज़ अ मस्ट व्हेन यू आर गोइंग टू ससुराल। उसके बाद में माई मेकअप सेटिंग स्प्रे, काजल अगेन, एंड दिस स्मॉल परफ्यूम फ्रॉम जूडियो, एंड 5-6 लिपस्टिक्स, my favorite shades, and lastly this bindi packet. So my makeup kit is all set. अब बारी आती है स्किन केयर बैग को पैक करने की। मैं रख रही हूँ दो फेस वॉशेज फ्रॉम डॉट एन की, मामाअर्थ का उपटन फेस वॉश, दिस डॉट एन की टोनर, उसके बाद में सीरम मेरा फेवरेट, फिर मॉइस्चराइजर रख रही हूँ डॉट एन की तरफ से, उसके बाद में एक माइसेला वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर मैं अपना बॉडी लोशन, बॉडी मॉइस्चराइजर, देन बॉडी सनस्क्रीन। नाउ अब एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास में इस तरह की बॉटल्स रहती हैं जिनको मैं संभाल के रखती हूँ, सो दैट आई कैन यूज़ देम फॉर ट्रैवल पर्पज़। तो ये वाली जो बॉटल है ये है शावर जेल की बॉटल, जिसमें मैंने शैम्पू फिल कर लिया है। सो मुझे इतना ही शैम्पू ज़रूरत पड़ेगा 10 दिन की छुट्टी में और ये मेरा काम चला देगी। उसके बाद में ये जो छोटी सी बॉटल आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे को कलर के साथ में कंडीशनर बॉटल फ्री आई थी, इसमें मैंने थोड़ा सा कंडीशनर फिल कर लिया है। ये वाली जो बॉटल है इसमें मेरा एक ग्रीन टी मास्क था जिसमें मैंने बेबी हेयर ऑयल फिल कर लिया है। इस तरीके से मैं बॉटल्स को रीयूज़ कर लेती हूँ एंड आई डोंट नीड टू बाय अलग से, जो कि ट्रैवल पर्पज़ के लिए बॉटल्स खरीदते हैं। तो मैं किट्टू का भी बॉडी केयर का सामान इसी में रख रही हूँ, बॉडी लोशन, फेस क्रीम, बेबी पाउडर, और अपने लिए मैं ये हेयर सीरम भी रख रही हूँ, इसे मैं भूल गई थी। सो या माई स्किन केयर बैग इज़ ऑल सेट। तो थोड़ा सा सामान उसमें नहीं आ पा रहा था, तो ये मेरा हेयर एक्सेसरीज़ का बैग है जिसमें मैंने शैम्पू और हेयर सिरप इसमें रख दिया है, बाकी सब हेयर एक्सेसरीज़ मैंने रखी है, रबर बैंड्स एंड ऑल। ये मेरा स्मॉल मेकअप ब्रश का पाउच है जिसमें मैंने 2-3 बैंगल्स रख दिए हैं और कोम भी रख दिया है अपना। सो ये एक स्मॉल पाउच मैंने रेडी कर लिया है। ये है मेरा मेडिसिनल पाउच जिसमें मैंने किट्टू के नेजल ड्रॉप्स, उसका बेबी रब, और यहाँ पे PCM की बॉटल रख ली है मैंने अपने लिए भी, मतलब मैंने 1-2 मेडिसिन रख ली है, थर्मामीटर रख लिया है मैंने, PCM टैबलेट्स रख ली है, हेडेक टैबलेट्स रख ली है। सो माई फर्स्ट एड पाउच इज़ ऑल्सो सेट। तो ये मेन सामान सारा पैक हो गया। वेल इट्स टाइम फॉर फाइनल पैकिंग। सब सामान अभी तक मैं निकाल ही रही हूँ कौन सा मुझे कहाँ रखना है, एंड नाउ इट्स टाइम टू सेट द आइटम्स इन द बैग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं ये वाला बैग ले जाने वाली हूँ एंड आई होप कि इसमें मेरा सारा सामान अच्छे से आ जाए, बिकॉज आई हैव टू कैरी ओनली माई आइटम्स। सो ओके स्टार्ट। सो ये मैंने बनाया है ज्वेलरी बैग काइंड ऑफ, मेरा बैंगल बॉक्स। इसमें मैंने सारे बैंगल्स रख लिए अपने साड़ी के मैचिंग के। तो पहले मैं इसे एडजस्ट करती हूँ। ओके
तो इसे मैं सबसे नीचे रख रही हूँ ताकि सारा सामान अच्छे से एडजस्ट हो जाए। इसके बाद में जितने भी आउटफिट्स मुझे ले जाने हैं, साड़ी और पोशाक, एक एक करके मैं रख देती हूँ आइट साइड में, क्योंकि इनका बैग ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया है, तो मुझे लग रहा है पहले मुझे इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरा कुछ और सामान इसमें आ पाएगा। तो दो तीन साड़ियाँ रख रही हूँ, लास्ट में मैं अपना मेकअप और स्किन केयर का बैग रख रही हूँ, एक ज्वेलरी पाउच भी रखा है जिसमें मैंने दो तीन ज्वेलरीज ली है। सो यस, ये मेन सामान सारा पैक हो गया। अभी बज रहे हैं सुबह के 4। एक्चुअली मैं रात को सो गई थी बिल्कुल भी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरा पूरा जो सामान है वो बैग में आ भी नहीं रहा था। सो आई थॉट कि मैं सुबह फ्रेश दिमाग से उसको काम करूँगी वापस से। तो जितना सामान आया होता मैंने एडजस्ट कर दिया, बाकी का सामान मैंने अपने हस्बैंड के बैग में एडजस्ट कर दिया, जैसे दो एक्स्ट्रा साड़ीज और टॉवल एंड ऑल। तो टोटल हमारे 3 बैग्स पैक हो गए, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो फाइनली ये वाला बैग पैक हो गया, मेरा बड़ी मुश्किल से बंद हुआ है। इसमें मैंने जो डेली वेयर के क्लोथ्स रखे थे ऊपर, उसके बाद तो बिल्कुल चेन भी बंद नहीं हो रही थी। ये किट्टू का डफल बैग है, इसमें सारे किट्टू के कपड़े और शूज़ वगैरह हैं। ये मेरे हस्बैंड की ट्रॉली है। सो टोटल 3 बैग तो यार रेडी हो ही गए। ये मेरा मिनी ट्राईपॉड है, इसे मैं सोच रही हूँ लेकर जाऊँ कि नहीं लेकर जाऊँ, बट यस आई एम इन नीड ऑफ कैरिंग दिस। तो सबसे पहले ये जो है ना बैग ऊपर तक भर गया है, मैंने इसे बस ऐसे कवर कर दिया था, अब इसकी चेन लगाना बाकी है। तो फुल्ली भर चुका है मेरा बैग, इस तरीके से क्लमजी बैग तो मैं कभी नहीं लेके जाती यार सच में। मतलब ऑलमोस्ट मेरा सारा सामान पैक है, अब मुझे कुछ भी पैक नहीं करना है, दैट्स इट। एक हम शोल्डर बैग लेंगे, उसमें कुछ ऐसा मतलब खाने पीने का जो ट्रेन में बच्चे के लिए नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ऐसे तो वो राजधानी ट्रेन है सो विल गेट एवरीथिंग, लेकिन बच्चे के हिसाब से नहीं मिल पाया तो हमने कुछ स्नैक्स वगैरह रख लिए। सो या दैट वॉज ऑल पैक विद मी व्लॉग। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में, जिसमें मैं आपके साथ में अपनी ट्रेन की जर्नी शेयर करूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू बी ऑन माय चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए बाय बाय।